दोस्तों नमस्कार, हम रिमलेस फ्रेम बनाने जा रहे हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास आया हुआ है रिमलेस जो अनब्रेकेबल ग्लास है, ये ब्लू कट का। इसका फ्रेम टूटा हुआ है तो हम जो है इसको बनाने जा रहे हैं दूसरे फ्रेम में। ये कह सकते हैं फ्रेम चेंज रिमलेस। रिमलेस को हम कैसे फ्रेम चेंज करते हैं वो थोड़ा सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, हम इसको चेंज करके दिखाएंगे आपको। ये आपको पुराना फ्रेम है, ये जो है नया फ्रेम जिसमें हमें चेंज करना है। ये देख पा रहे होंगे, तो देखिए ये बिल्कुल नया, ये टूटा हुआ फ्रेम है। तो दोस्तों वीडियो चलने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ये सबसे पहले हम इसको जो है फ्री कर लेते हैं, इसको हम जो है इसमें से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसको निकालने के लिए हम जो है कवर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए टूट के जो है ये फंसा हुआ है, इसको हम निकालने के लिए कुछ ऐसी विधि अपनाएंगे जिससे हमारा मैनुअली आसानी से निकल जाए। इसको निकालने से पहले हम सबसे पहले इसको जो है ये देखिए ये आपका प्लास, देखिए बहुत ही शानदार प्लास होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, बगैर इसके आप पॉसिबल नहीं होते कि बना सकते हैं इसको। ऐसे प्लास को रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आसानी से पुश करना है इसमें। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसको हमने निकाल दिया। अब इसमें जो है ये कुछ चीज़ें हैं इसमें प्लास्टिक, जो पंच जो है इसके लिए हम जो है पहले इसको हम निकाल लेते हैं जो टूट के फंसा हुआ है, जिसकी दोनों खूंटी टूटी हुई है। इसको हम कैसे दोस्तों इसको बहुत सावधानी से निकालना है, नहीं तो लेंस पे जो है स्क्रैच पड़ जाएगा। टूटी हुई चीज़ को बहुत आसानी से निकालना है। पकड़ प्लास से इसको जो फंसा हुआ है इसको हम आसानी से जो है पकड़ सकते हैं इससे। देख पा रहे हैं थोड़ा फिसल रहा है, बहुत सावधानी रखना है इसको। फिसल जा रहा है, इसको बहुत स्क्रैच भी बचाना रहता है, इसलिए हमने जो है थोड़ा सा ड्रिल कर दिया दोस्तों। अभी हम ड्रिल भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए प्लास्टिक निकल गई पूरी, इसकी इसमें जो फंसी हुई खोटी थी निकल गई। अब प्रॉपर तरीके से हम अगर इसको निकालना चाहें दोस्तों, ये देख पा रहे हैं कि ड्रिल मशीन हमने ले आया है। ड्रिल मशीन इसलिए ले आया है कि इसमें देखिए ना, एक साइड में एक तो निकल गया है, एक में रबड़ जो है लगी हुई है, तो इसको निकालने के लिए हमें ड्रिल का उपयोग करना पड़ रहा है। तो हमने जो है ड्रिल को ऑन किया, देखिए देखिए एक ये है ड्रिल, एक ये है, इसको होल्ड करने के लिए करते हैं। इसको हम देखिए कैसे फिनिश करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको हम बहुत आसानी से जो है ड्रिल करके पंच को निकाल सकते हैं, जो पंचिंग हुई है। ध्यान रहे कि उसके अलावा जो है होल थोड़ा सा बड़ा ना होने पाए, ध्यान रहे कि वही निकले। नहीं क्या होता है, हम भूल जाते हैं थोड़ा, तो होल जो है बड़ा हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे इसमें जो है एकदम क्लीन हो गया। अभी देखिए एक में जो है बचा हुआ है, लोड लेने की मशीन थोड़ा स्लो हो जा रही है।
रिमलेस का ये है फ्रेम चेन, जिसको रिमलेस बोलते हैं, थ्री पीस भी बोलते हैं। देख पा रहे होंगे बिल्कुल फ्री हो गया। अब हमें जो है इसको हटा देना है, ड्रिल मशीन को यहाँ से साइड कर दिया हमने। अब हमें क्या क्या करना है, अब हमें इसका जो है ये निकाल रखना है, इसको निकाल लेना है। आप लोग देख पा रहे होंगे तो आई जी टी लगभग लगभग सेम जो है, सेम फ्रेम है, तो मैं इसका नोज ब्रिज नहीं चेंज कर रहा। ये भी नई फ्रेम है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस इधर साइड से टूट गया था, तो मैं इसका नोज ब्रिज नहीं चेंज कर रहा, इसलिए इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, सेम ही जब है तो मैंने जो है चेंज नहीं किया। देखिए अगर सेम नहीं होता तो ये जो है इसको हमने थोड़ा सा ये अब देख पा रहे होंगे कि ये हल्का पीला था, तो हमने इसको जो है सेम लगा दिया। ये देखिए एग्जैक्ट अभी दरअसल क्या है, ये अनब्रेकेबल ग्लास है, पॉली ग्लास था, तो जो है अभी 3 से 4 दिन हुआ जैसे इसको बने हुए, तो आदमी ले जाके बैठ गया, पेशेंट जो है उस पर बैठ गया तो इसकी खूंटी जो होती है तो ये दो टूट गई। तो अब हम इसको जो है एज इट इज रहने देते हैं, इसमें नहीं छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए एक्चुअल फ्रेम है, वही सेम फ्रेम हमें लगाने जा रहा हूँ। तो दोनों स्टिक इसकी निकालूंगा, इसकी दोनों स्टिक निकाल लेते हैं। इधर की हमने निकाल दिया, अच्छा इधर से कट करके थोड़ा सा निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये देखिए एक साइड पंचिंग थी, निकल गई आसानी से, इसको पकड़ना बहुत सावधानी से, नहीं तो क्या है इसमें जो है स्क्रैचेज पड़ जाते हैं फ्रेम में। दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत ही सावधानी से निकालना रहता है इसको, नहीं तो खूंटी जो है निकालते समय ही टूट जाएगी, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिस पंच को हमने एकदम क्लियर कर दिया, देखिए ये देखिए दोनों साइड की। अब सबसे पहले हमें लेना है क्या, ये इससे हम पंच करते हैं। ये देखिए हमने इसको लगा दिए, ब्लेड लेके इसको प्लास से भी कट जाता है, इसको ब्लेड से भी काट सकते हैं एकदम स्मूथली, इसको काटना है बिल्कुल सटाक, नहीं तो क्या है ढीला हो जाता है। अब देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल पास से किया, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको पुश कर देते हैं हल्का सा, ताकि आसानी रहे फंसाने में। तो आपने देखा इसको, अब हम स्टिक इसमें फंसा देते हैं, राइट की स्टिक हम फंसाएंगे। ये देखिए इसमें जो है हम फंसा दिए, अब इसको पंच करेंगे हम, देखते रहिए। यही प्रॉब्लम थी इसमें कि होल इसका बड़ा हो गया था, इसी वजह से ये अब इसको पंच कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी से। पंचिंग क्लास कहाँ है ये देखिए, बहुत ही दोनों तरफ से माउथ इसका बना हुआ है, हम इस पर लगाते हैं बैक साइड से और फ्रंट साइड से, बहुत ही आसानी से दबा देते हैं इसको, ऐसे ऐसे दब जाएगा। ये देखिए एक बार फिर से हम वही दिखाएंगे, इस पर थोड़ा सा ये होल जो है थोड़ा चौड़ा हो गया है, तो इसको हम थोड़ा डबल पंच करें, उसकी वजह से थोड़ा ढीला हो रहा है, तो अभी देखते हैं, पहले इसको हम पंच कर लेते हैं। पंच करने के बाद जो है उसी तरह से पंच करने के बाद फिर देखते हैं, अभी अगर टाइट नहीं होता है तो फिर ये
देखिए बहुत ही सावधानी से, नहीं तो लेंस में स्क्रैच हो जाता है। ब्लेड है ये, बहुत आसानी से बचाना पड़ता है इसको। थोड़ा हम होल को ठीक कर लेते हैं। उसी तरह से इसको हम सेम प्रोसेस से इसको भी पंच कर देते हैं। इसका सेम प्रोसेस देखिए, जैसे हमने राइट साइड किया सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड का भी है। आप लोग वीडियो पूरा बने रहें, एकदम आसानी से पंचिंग करना हम बता दे रहे हैं। बहुत ही शानदार क्लास होता है, मेन रिमलेस का खेला पंचिंग का यही करता है। इसका मुख देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए दोनों तरह से बना हुआ है। देखिए इसका मुख मैंने फैलाया नहीं है, तो ये थोड़ा लगने में अभी ढीला होने की वजह से इस पार से उस पार हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हमें अनब्रेकेबल ग्लास है, जिसको जिसका इंडेक्स 1.59 होता है ब्लू कटलेस के साथ में, तो टूटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो हेडेक नहीं लेना है, आसानी से इसको पंच कर देना है, दबा देना है। 1.56 होता तो अब तक टूट जाता है इतने समय। देखिए अनब्रेकेबल था इसलिए जो है टूटा नहीं। ये आपका रिमलेस चश्मा फ्रेम चेन बन के आपका तैयार हो गया। अब आपको हम दिखा रहे हैं इसका बैलेंस। बैलेंस अगर सही है तो आई जी टीज एक बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस अगर सही है तो आई जी टीज रहने देते हैं, नहीं तो इसका बैलेंस थोड़ा हमें सही कर देना है। देखिए बैलेंस सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम ऐसे पकड़ लें, ये बैलेंस सही नहीं है, फैला हुआ है, हम इसको थोड़ा सा दबा दिए। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं जो बैलेंसिंग, आप लोग देखिए जरा इसको हटा के इसकी बैलेंसिंग देखिए। ये आप देख पाएंगे, ये देखिए ये पबल हो रहा है, इसलिए ये जो है अभी इसका गैप जो है ज़्यादा हो गया था। तो गैप ज़्यादा करने के लिए हम लिक्विड फॉर्म की का प्रयोग करेंगे इसमें। ये देखिए बैलेंस एकदम क्लियर हो गया, ये आप लोग देख पा रहे होंगे चश्मा जो है ये कंप्लीट हो चुका है रिमलेस फ्रेंच। तो पास से देखना है तो पास से देख लीजिए एक बारी। ये देखिए चश्मा आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कंप्लीट रिमलेस चश्मा कैसे बनता है, कटिंग, फिटिंग, एजिंग, मार्किंग हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और भी वीडियो में लेके आऊँगा रिप्लेस का, इसके पहले भी वीडियो पड़ चुकी है। ये हमने फ्रेम चेंज था, फ्रेम चेंज दिखाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।